नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय बेटा किस्सा तेनाली राम का। हम तेनाली राम के पार्ट पढ़े ना, कहानी पढ़े ना, हाँ उससे संबंधित छोटा सा असाइनमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तैयार है क्या? चलो आ जाइए बच्चों। क्या है फर्स्ट बिट? क्या है बेटा? निम्न शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। क्या करना है? निम्न शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ नए शब्द है, इधर उनके अर्थ है। हमें क्या करना है? एक एक शब्द लेकर उनके सही अर्थ से जोड़ना है। ठीक है, करेंगे। चलो पहले शब्द पढ़ रहा हूं। सैर, अनुरोध, फुलवारी, सहमत, बेइज्जत। ओके, अब अर्थ देखिए। आग्रह, घूमना, मानना, अपमान, बगीचा। ठीक बेटा, पहला शब्द क्या है? सैर। सैर का मतलब क्या है? हम बाहर सैर करने के लिए जाते हैं ना, हाँ, यानी घूमना। सैर का मतलब क्या है? घूमना। सैर को घूमने से मैं क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। अब देखिए अनुरोध। अनुरोध का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट अंग्रेजी में। तो उसी का हिंदी शब्द क्या है? हाँ, अनुरोध का मतलब है आग्रह। क्या करते हैं? आग्रह। अनुरोध का मतलब आग्रह। ओके, फुलवारी। फुलवारी शब्द में ही फूल है। फूल कहाँ होते हैं? बाग बगीचे में, है ना? हाँ, फुलवारी को क्या कहते हैं? बगीचा। देखिए फुलवारी को बगीचे शब्द से जोड़ दें। और ये क्या है? सहमत। सहमत का मतलब क्या है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, यानी एक्सेप्टिंग, है ना? तो उसका हिंदी में क्या शब्द है? मानना। क्या बेटा? मानना। सहमत का मतलब क्या है? मानना। ओके, अंत में क्या शब्द है? बेइज्जत। बेइज्जत करना, इज्जत देना, यानी रेस्पेक्ट करना, आदर करना, उसकी उसके ही विलोम शब्द है बेइज्जत। तो बेइज्जत का मतलब क्या होता है? गौरव को अपोजिट क्या होता है? अगौरव करना, यानी अपमान। मान अपमान, बेइज्जत का मतलब है अपमान। देखिए बेइज्जत को अपमान शब्द से जोड़ दिया। अब एक बार देखिए, सैर का मतलब है घूमना, अनुरोध का मतलब है आग्रह, फुलवारी का मतलब है बगीचा, सहमत का मतलब है मानना, और बेइज्जत का मतलब है अपमान। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट। सही उत्तर पर सही का मार्क यानी टिक मार्क लगाइए। वाक्य देखिए, राजा और तेनालीराम कहाँ गए? राजा और तेनालीराम अपनी कहानी में कहाँ जाते हैं? सैर पर जाते हैं या शिकार पर जाते हैं? हाँ, सैर पर। ठीक है बेटा। और राजा किस चीज के शौकीन थे? शौकीन यानी बहुत ही पसंद करना। ओके, किस चीज के लिए बहुत शौकीन थे? फूलों के और गाने के। किसके लिए? हाँ, फूलों के। अब देखिए, तेनालीराम को इनाम क्यों मिला? तेनालीराम को इनाम क्यों मिला? राजा को बचाने के लिए या चतुराई के लिए? क्या होता है? तेनालीराम की चतुराई, पता है ना? तो इसीलिए उनको क्यों मिला है? चतुराई के कारण उनको इनाम मिला है। तो इस तरह से किस्सा तेनालीराम का पार्ट से हम एक छोटे से असाइनमेंट पूर्ति कर लिए हैं, और अगले असाइनमेंट के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। जब तक धन्यवाद बच्चों।